हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ क्रिएटिविटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये मेरे पास मेरे ब्लाउज़ के जो पार्ट बचे हुए थे, कुछ कपड़ा बचा हुआ था, उसमें से मैंने ये पीस ले लिया है और उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। और उसका मेज़रमेंट है 7x6 इंच। और उसके मैंने एक स्ट्रिप ले ली है जो मेरी कुर्ती की थी, उसे मैंने लंबी कुर्ती थी उसे काट दिया है। तो उसी स्ट्रिप को हम दोनों साइड अटैच कर देंगे। इसे देखिए, एक साइड अटैच हो चुका है, अब हम दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे। इसे इसी तरह से हमारा दूसरी साइड भी अटैच हो चुका है। अब हम इन पे टॉप स्टिच लगा देंगे, दाब सिलाई से इसे दबा देंगे। अब हम जो कपड़ा है उसे एकदम सीधा कर देंगे और इसी तरह दूसरा पार्ट भी हम रेडी कर देंगे। अब हमें एक फॉर्म सीट और नॉन वन की सीट लेनी है, उसे उसके ऊपर रख के पार्ट को और उस पर क्विल्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से, आप चाहे तो सीधा भी लाइनिंग बना सकते हैं या पूरे बॉक्स भी बना सकते हैं इसमें। और जो बाकी का कपड़ा बचता है हमारा साइड में, हम उसे काट देंगे। और अब हम बीच में से फोल्ड करके उसे साइड में से थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और उसे कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2 इंच का मेज़रमेंट लेके उसे वहाँ से कट कर देना है। ये देखिए, इसी तरह से मैंने मार्क कर लिया है, अब उसे कट कर दिया है। ये देखिए, अब उसी पे हमें जिप को अटैच कर देना है। ये देखिए, हमारा इसी तरह पार्ट रेडी होगा। तो पहले हमें जिप को अटैच करना है यहाँ से और उस पर दाब सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरह हमें इसमें रनर लगा देना है। ये देखिए, हमारा रनर भी लग चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें दो स्ट्रिप लेनी है 16.5x3 इंच की और स्ट्रिप को हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, और उसमें से हमें दो बेल्ट बना लेने हैं। तो हमारे दोनों स्ट्रिप रेडी हो चुकी है बेल्ट बनके। अब उसे हमें जो हमने पार्ट बनाए हैं दोनों, उसके ऊपर उसे अटैच कर देना है। अब नॉन वन का मैंने उसी नाप का मेज़रमेंट का पीस लिया है, उस पार्ट लिया है जो उसे हमें उस पर लगा के अटैच कर देना है, चारों ओर से सील स्टिच कर देना है। और जो बाकी का साइड में कपड़ा बचता है उसे काट लेना है। अब उसी पीस के ऊपर हमें एक जिप को अटैच कर देना है और उस पर टॉप स्टिच कर देना है। उसी तरह हमें जो हमारा पार्ट था दूसरा, उसे भी अटैच कर देना है, उसके अंदर हमें रनर भी अटैच कर देना है। अब हमें दोनों पार्ट को तीनों ओर से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, अब जॉइंट हो चुका है और उसे हमें पर्स को सीधा कर देना है, तो ताकि हमारा पर्स एकदम से सही दिखे। ये देखिए, हमारा पर्स एकदम रेडी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।